कि इसमें फ्लैट वगैरह है बिकने के लिए। कितना प्यारा हो रहा है यार गाइस वेदर। तो गाइस फाइनली ये रहा आशिमा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं आयुष वर्मा ब्लॉग्स एंड वेलकम बैक टू माय न्यू मोटो ब्लॉग। तो गाइस अभी मैं सोकर उठा था और मेरे पास आया प्रिंस का कॉल, मुझे बुला रहा था कि मामा आशिमा के सामने आ जाओ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। और गाइस आज उसका लास्ट एग्जाम था 11th क्लास का और वो KV 1 में या KV 3 में, उधर क्या है आशिमा के साइड में KV 3 है आई थिंक। तो मतलब यहाँ पर भोपाल में KV 1 KV 2 KV 3 तीन KV है केंद्रीय विद्यालय। वो ऐसा क्या कंफ्यूज है, KV 2 तो पता है मुझे 7 नंबर पर इधर का एक 2 KV है जो कि मुझे ऐसे पता नहीं है, एकदम कंफर्म नहीं है। मतलब स्कूल आशिमा से उसका स्कूल कुछ 200 मीटर दूर है, तो वो बोल रहा था कि मैं आशिमा पे आ गया हूँ, आशिमा पे खड़ा हूँ, स्कूल पे मत आना आशिमा पे आ जाना, चाय पी रहा हूँ यहाँ पर। ये प्रिंस का ही कॉल है गाइस। हेलो, मैं बाघ से बनिया। हाँ कहाँ आशिमा पे, किधर साइड पे रोड से? अरे तो आशिमा के 2-3 गेट है, तो तू तेरे जो स्कूल वाला रास्ता है वो वाले गेट पे। हाँ रोड वाले गेट पे तो नहीं है। हाँ चल ठीक है। तो गाइस प्रिंस का कॉल भी आ गया है, तो अभी हम चलते हैं जल्दी से। वो खड़ा हुआ है वहाँ पर, बहुत टाइम हो गया उसे खड़े खड़े। बोलता है कि भाई मैंने चाय भी पी ली, खा भी लिया, बोलता है अभी तक नहीं आए तुम। मैंने बोला भाई टाइम लगता है ना, क्योंकि मुझे अभी मैं था कटारा हिल्स पे और जब उसका कॉल आया था तब तो मैं ऐसे ही पड़ा हुआ था, सोकर उठा था। तो अभी जल्दी जल्दी चलते प्रिंस भाई को लेते हैं वहाँ से, उसके बाद थोड़े बहुत मजे करते हैं और फिर आ जाएंगे वापस से फ्लैट पर घूम फिर के। अभी ये बाघ से बनिया चौराहे पे हम आ गए, सिग्नल तो खुला ही था इधर का और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है गाइस। ये होशंगाबाद रोड है और होशंगाबाद भी अब तो नर्मदापुरम हो गया है, तो ये वाला रोड है, बहुत मस्त रोड है। ये बीच में रेड बस वगैरह की रूट दी गई है और अभी हम आशिमा पहुंचने ही वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से आशिमा हमारी बाइक की अगर स्पीड लगाए तो। तो अभी जल्दी से प्रिंस भाई को लेते हैं। अभी ये हेलमेट में एक तो गर्मी आ गई है, अब कैसे ब्लॉग शूट होंगे पता नहीं यार, बहुत दिक्कत परेशानी होने वाली है क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है हेलमेट के अंदर, बहुत ज़्यादा। तो गाइस फाइनली ये रहा आशिमा, हम पहुँच गए आशिमा। वैसे हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा ना आशिमा पहुँचने में, थोड़ी देर में तो हम पहुँच ही गए, कुछ 15-20 मिनट में। तो ये रहा हमारा आशिमा, कौन सा फ्रंट गेट का बोल रहा था उसने कि फ्रंट गेट पे हो कोई OCO करके कैफे, देखते हैं। अरे रे 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 रे, तो गाइस रोड का ही बोल रहा था वो कि रोड पे हूँ। कहाँ है प्रिंस भाई। अब इसको ढूंढू कैसे, मैं कॉल ही करना पड़ेगा, सब दूर है तो देखता देखता चलूँगा क्या उसे। मेन गेट का बोल रहा था वो तो कि मेन गेट पर खड़ा हुआ हूँ, कर लेते उसको कॉल कर लेते एक बार। समझ में नहीं आ रहा कहाँ है, आ ही गया वे क्या है तो उधर ऊपर बैठा हुआ था तू। अच्छा आज लास्ट डे था तुम लोग का, सारे फ्रेंड लोग गए थे। चलो चले, कहाँ चले, चले मम्मी को बोल दिया मैंने, बोल दिया चले, इधर से ही चल ले, पकड़ के बैठोगे पक्का। तो गाइस अभी हमने ले लिया है प्रिंस भाई को, अब यहाँ से चलते हैं थोड़ा बहुत घूमते हैं, कुछ खाएंगे। खाया कि नहीं कुछ तूने, अभी तो तू बोल रहा था कि वहाँ पे खा रहे थे। तो एक काम करते, क्या खाना पसंद करोगे हैं, कुछ भी? तो अभी थोड़ा बहुत कुछ खाते हैं और फिर चलते हैं अपन फ्लैट पर। और अभी फ्लैट पर भी कोई नहीं, अंकित भाई है
मैं हूँ और अब प्रिंस भाई जा रहे हैं, प्रिंस भाई हो जाएगा। और वैसे भी और कौन होगा, अंकित भाई और मैं तो रहते हैं फ्लैट पे। अरे मैं भूल गया था कि तो पगला रहा हूँ मैं धूप में। कॉल आ रहा है क्या मेरे पास, किसी का नहीं है ऐसा? इधर से रास्ता देखा है तुमने सीधे? नहीं इधर से चलना तो देखा है पक्का? क्योंकि वो जो बिल्डिंग है ना, वहाँ का किसने, जीजा जी ने बताया था कि इसमें फ्लैट वगैरह बिकेंगे और इधर मतलब काफी ज्यादा उसमें उनका थोड़ा था, मतलब जैसे जो मतलब तो बन रही है कंप्लीट थोड़ी। हाँ तो बिकना तो स्टार्ट हो जाते ना पहले से। तो गाइस यहाँ पे इस ये वाली बिल्डिंग में बोला था जीजा जी ने फ्लैट वगैरह का कि इसमें फ्लैट वगैरह है बिकने के लिए। तो मतलब बेसिकली मम्मी वगैरह रहते हैं उधर पे होशंगाबाद साइड पे, मैं यहाँ पर पढ़ाई करता हूँ। तो बोल रहे थे कि यहाँ पर देख लो, यहीं पे आ जाओ, मम्मी वगैरह को लेके यहीं पे शिफ्ट हो जाओ। तो अभी तो ये सब बन ही रही है, अभी तो काफ़ी टाइम है खैर। तो गाइस अभी हमने ये मल्टी की इधर ही ये टीन लगी है जो इसके अंदर जाकर शूट कर लिया शॉर्ट वीडियो वगैरह, बहुत प्यारे प्यारे क्लिप आए हैं। तो अभी वहाँ तक हम पहुँच गए थे, हमने वहाँ से वापस आ गए, अब वापस जा रहे हैं, शूट वगैरह सब कुछ हो गया है। प्रिंस भाई वीडियो बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं, शॉर्ट क्लिप होते हैं ना जो, वो बहुत प्यारे प्यारे शूट करते हैं। तो अभी हम यहाँ तक तो आ गए थे, फिर हम वापस से लौट कर चले गए थे शूट करने। यहीं से चलना है ना प्रिंस भाई की, तो अब छुट्टी लग गई है ना, 28 को रिजल्ट है यही? अब इतनी जल्दी? आज तुम्हारे एग्जाम खत्म हुए, आज 20 तारीख को पहले एग्जाम हुए ना, उन सब की चेक हो गई। देखिए अभी एग्जाम हुआ, अभी शाम तक सारी कॉपियां चली जाएंगी। वाओ, नहीं पर सही है, आज 20 तारीख को तुम्हारे एग्जाम खत्म हुए और 28 को रिजल्ट, सही है यार। गाइस मैंने क्या ये बायजर अभी लगा लिया था शॉर्ट वीडियो शूट करवाते टाइम, तो इतना ज़्यादा पसीना हो गया ना अंदर, पूरे में पसीना पसीना हो गया है और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। मेरा पसीना अभी इतने दूर से मैं आ गया बायजर खोल के यहाँ तक और मेरा पसीना नहीं सूखा मुँह का, बहुत खतरनाक यार, बहुत खतरनाक। गाइस बहुत गंदी गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गंदी। यहीं से चल ले? हाँ यहीं से चलते। अभी गाइस अपन वो वाले रोड से आए थे, अभी ये वाले से चलते। ये क्या, ये आशिमा के लिए बन रहा है सीधे हाईवे, मतलब जिन लोग को अंदर से नहीं जाना वो इधर से जा सकता है। कितना प्यारा हो रहा है यार गाइस वेदर, ये वेदर नहीं है, धूप पड़ रही है बहुत जोर की। क्या तेरे पास से? तो अभी हम ये आ गए, अबे पेट्रोल पंप निकल गए अपना, कोई बात नहीं अब। तो गाइस करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर खत्म, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर कर ले, क्योंकि ऐसे ही धमाकेदार ब्लॉग के साथ मैं आपको मिलता रहूंगा। तो टाटा बाय गाइस।